अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो आप सबको मेरे गार्डनिस्टा चैनल पर खुश आमदीद। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर आई हूँ, उनके लिए जो लोग कहते हैं कि हमें कटिंग्स लगानी नहीं आती, या हमारी कटिंग्स ग्रो नहीं होती, या हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती है, यानी उनके लिए जिनकी डायरेक्ट कटिंग्स ग्रो नहीं करती। तो आज मैं आपको ऐसे 10 प्लांट बताऊंगी जिनको आप पहले से ही रूटिंग स्टार्ट कर लिया करें पानी में, तो उनके लिए ये ऑप्शन है जिनको डायरेक्ट कटिंग्स लगानी नहीं आती या जिनकी लगती नहीं। तो ये आप पहले अगर इनकी कटिंग्स पानी में लगा लेते हैं तो पानी में तो 100% एक तरह से गारंटी होती है कि अब तो ये ग्रो करेगी ही करेगी। जब पानी में इनकी रूटिंग्स आ जाएँ तब उसके बाद आप इनको 15-20 दिन में जब उनकी रूटिंग आ जाए तो उसके बाद फिर आप इनको सॉइल में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की हम लोग कुछ कटिंग ले लेते हैं। स्नेक प्लांट की हमेशा कटिंग आप लें ऐसी जो मेच्योर हो उसकी लीव्स। जैसे ये है, ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसके ऊपर से एक बार पहले में मैं छोटी सी कटिंग ले चुकी हूँ और ये देखें, ये दूसरा पीस भी मैंने इसका ले लिया। तो एक ये वेरीगेटेड वाला भी ले लेते हैं। लेकिन याद रखें, कभी भी वेरीगेटेड वाले स्नेक प्लांट की जो आप लगाते हैं कटिंग, उसकी हमेशा जब स्टार्टिंग होती है तो वो वेरीगेटेड नहीं होती, वो सादी आती है। और ये है मेरा जेट प्लांट। जेट प्लांट की भी कोई हेल्दी सी कटिंग लें। हमेशा कटिंग आप ऐसी लें जो हेल्दी हो और अपर शूट हो, यानी जैसे ऊपर ऊपर वाली जो होती है ना, उनमें से जल्दी से रूटिंग स्टार्ट होती है। मनी प्लांट की भी ऐसी अपर शूट लें जो एंड वाली होती है। जैसे ये देखें, ये वाली, ये है ऊपर वाले कुछ लीव्स होते हैं। आजकल तो मनी प्लांट की हर जगह से रूटिंग खुद ब खुद निकली हुई है। देखें, एक रूट्स के साथ आई भी हुई है। ये देखें, ये देखें। और ये जब हम पानी में लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये इसकी यहाँ से और स्टार्टिंग हो जाएगी रूटिंग की। काफ़ी ज़्यादा रूटिंग होगी फिर हम लगाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने आपके साथ इनकी अपडेट्स शेयर करती रहूँगी जो मैं कटिंग्स लगाऊँगी पानी में। और फिर कुछ दिन के बाद हम इनकी वीडियो बनाएंगे जो जब इनकी रूटिंग आ जाएगी फिर मैं सॉइल में लगाऊंगी। ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम ये मेरा बहुत बुशी, माशाल्लाह हेल्दी और बुशी सा प्लांट है। इसकी तो कटिंग ढूंढना भी मुश्किल है। ये देखिए, काफ़ी बड़ी सी एक बंच बना हुआ है पूरा। बहुत अच्छी कटिंग मिल गई है इसकी भी। ये देखें, ये पूरा एक बंच बना हुआ है। ये तो पानी में ग्रो करते हुए वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही एक प्लांट बन जाएगा। और ये देखें मेरे वंडरिंग ज्यू की, ये लो, ये तो पहले से ही बाहर आई हुई है और ये लगता है पहले ही जाने के लिए तैयार है। एक और ले लेते हैं, इसकी भी अच्छी सी हेल्दी कटिंग ले लें आप, वंडरिंग ज्यू की। और ये कोलियस की भी अच्छी सी एक कटिंग ले लेते हैं। ये सब प्लांट आप आराम से इनकी रूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं पानी में। ये वो प्लांट्स हैं, ये इसकी भी आप नीचे से कुछ लीव्स हटा के तो बस हम इन्हें पानी में लगाएंगे। और ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट तो बहुत इजी टू ग्रो है, डायरेक्ट सॉइल में भी बहुत इजी लगता है, लेकिन ये पानी में भी इसकी रूटिंग निकल आती है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं आज पानी में लगाना दिखाऊंगी आपको। और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट का रनर ले लें आप। इसको भी आप पानी में, पानी के ऊपर रखेंगे तो इसकी भी नीचे से रूटिंग निकल आती है, फिर भी 100% ग्रो हो जाता है ये तो। तो हम लोग तो इसको ऐसे ही लगा लेते हैं, लेकिन जिनकी कटिंग ख़राब हो जाती है उनके लिए ये ऑप्शन है कि पानी में निकालें। और ये है न्याजबो का पौधा। ये न्याजबो का ऐसी ब्रांच लें जिसके ऊपर फूल ना आए हों, यानी उसके ऊपर ये उसके न्याजबो के सीड्स ना आए हों। तो दो कटिंग्स ले लेते हैं हम, एक ले ली है, एक ये भी ले लेते हैं। ये देखें, ये भी अच्छी सी हेल्दी सी कटिंग्स हैं इनकी। और ये है एलोवेरा का। एलोवेरा का हमेशा आप हल्का सा कट लगा के इसका जो लास्ट में वाइट पार्ट होता है वो ज़रूर साथ में आना चाहिए अगर आपने इसकी रूटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये ज़रूर साथ में होना चाहिए। खाली ग्रीन लीव से रूटिंग नहीं होती, मैं आपको बता दूँ। ये लोग लगा तो लेते हैं, वीडियो दिखा भी देते हैं, लेकिन इस तरह रूटीन, इससे रूटिंग होती है, इससे, ये वाइट वाले पार्ट से। तो ये इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, काफ़ी सारी कटिंग्स हमने ले ली है सारी, तकरीबन ये 10 प्लांट्स हैं। तो इन सब की कटिंग्स आज मैं आपको ग्रो करके दिखाती हूँ। मैंने कुछ कटिंग्स ले ली हैं और साथ में ये देखें डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं जिनके ऊपर कैप होती है, उनसे ज़रा कटिंग्स हमारी होल्ड रहती है, पकड़ी रहती है, और यानी गिरती नहीं है। तो इसी तरह मैं लगाऊँगी। ये देखें, कैप के साथ पानी मैंने डाल लिया है ग्लास में, तो ये मैं ऊपर से इसके हॉल्स में से डाल के इस तरह लगाऊंगी। तो ये देखें, मेरी ये कटिंग स्टैंड रहेगी बिल्कुल,
ये देखें, और एक ख़ूबसूरत सा प्लांटर भी बन गया है। अगर आप इसको जहाँ मर्ज़ी रखें, घर के किसी एक कोने में रख दें रूटिंग के लिए, तो ख़ूबसूरत भी लग रहा है और देखें साथ में रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप इन खूबसूरत से ग्लासों में अगर डाल के कहीं अलग अलग भी रखेंगे तो एक ख़ूबसूरत सी आपके घर में प्लांट की खूबसूरती भी हो जाएगी। ये देखें, ये नियाज़बो का पौधा है। इसके नीचे वाले लीव्स ज़रूर हटाने हैं, क्योंकि जितने लीव्स हटाते हैं वहाँ से ही रूटिंग स्टार्ट होती है, वहीं से रूटिंग निकलती है। ये नोड एरिया होते हैं प्लांट के, ये हमेशा पानी में यानी कि ये डिप करने चाहिए जिनके नीचे से नोड एरिया हो। ये देखें, ये भी एक मेरा खूबसूरत सा प्लांटर बन गया। देखें गमला, इसको भी आप एज ए डेकोरेशन कहीं रख लें। ये देखें, किचन में रख लें, कमरे में रख लें, और कटिंग के लिए जो हमारे कमरे का और इधर वाला जो हमारा यानी कि घर का होता है टेम्परेचर, वो सबसे बेस्ट होता है। ये देखें, मैंने इसकी एलोवेरा की ऐसे ही रख दी है, ये ऐसे ही खड़ी रहेगी क्योंकि इसमें हिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, माशाल्लाह फिट हो गई है। और ये अब इसके अंदर मैं लगाऊँगी ये पर्पल हार्ट की, पर्पल हार्ट को भी ढक्कन लगा के फिर लगाऊँगी। ये देखें, इसके अंदर इसी से फिक्स हो जाएगी, बस नीचे वाला लीव्स हटा ले और नोड एरिया इसका पानी में चला गया। ये देखें, ये भी लग गया, ये भी अलग से खूबसूरत लग रहा है। एक प्लांट मेरे इतने प्लांट बन गए, प्लांटर बन गए हैं, इनको कहीं भी रख लें आप, खूबसूरती भी अलग और रूटिंग अलग। ये देखें, ये सिंगोनियम का भी मैंने इसी तरह इसके कैप के अंदर फिक्स करके रख दिया है, इसकी तो बहुत अच्छी फिटिंग हो गई। और ये देखें, ये भी कितना प्यारा बन गया है। ये देखें, इसी तरह आप भी बहुत इजी लगा सकते हैं अपने घर में। ये काम तो हम लेडीज़ के लिए बहुत इजी होता है, थोड़ा बहुत तो हम अपने घर में कर ही सकते हैं। ये देखें, ये वाला कोलियस का, ये तजर्बे लेडीज़ को करते रहने चाहिए, इसी तरह हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है और इसी तरह हम अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, कोलियस का भी कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे इसी के अंदर लगा देती हूँ ये वाला मैं वंडरिंग जो भी, इसकी भी काफ़ी नीचे से पत्ते हटा के नोड एरिया इसके अंदर लग गया। ये देखें, इसमें से भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी अलग से एक प्लांटर बन गया है। ये देखें, इतने खूबसूरत खूबसूरत गमले बन गए, पानी में लगे हुए पत्ते खूबसूरत भी लगते हैं, बल्कि हम जो सॉइल में लगाते हैं वो दूसरे दिन मुरझा जाते हैं, लेकिन जब हम पानी में लगाते हैं ये ऑलरेडी 10-15 दिन वैसे भी फ्रेश रहते हैं प्लांट। और ये जेट का प्लांट, इसकी भी नीचे से कुछ लीव्स हटा देते हैं, नोड एरिया बाहर आ जाएंगे तो वो हम पानी में डिप कर देंगे। इस तरह ही देखें, बहुत इजी है। ये वाला भी जेड प्लांट की भी रूटिंग बहुत इजी होती है, जेड प्लांट वैसे भी बहुत जल्दी ही लगता है सॉइल में भी, इसकी वेल्ड्रेन सॉइल हो कैक्टस वाली तो उसमें बहुत जल्दी ये ग्रो करता है। पानी मैंने कभी पानी में नहीं लगाई, लेकिन पानी में रूटिंग हो जाती है इसकी। ये आप लोगों के लिए मैं लगा रही हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं हमेशा ऐसे ही ग्रो करती हूँ। ये देखें, सबकी रूटिंग होगी इंशाल्लाह पानी में से, आप देख रहे होंगे सबके नोड एरिया पानी में डिप है, तो इसी तरह इनमें से स्टार्ट हो जाएगी। और ये स्नैक प्लांट है, स्नैक प्लांट की स्पेशल एक कटिंग होती है ये एरो शेप में, तो ये ज़रूर करें आप, इससे बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट होती है। ये ज़रूर करके रखें इस शेप से, बस इससे इस शेप से अगर आप डिप करते हैं तो इसकी स्नैक प्लांट की ज़रा रूटिंग देर से स्टार्ट होती है, कम अज़ कम महीना दो महीने लग जाते, 1.5-2 महीने लग जाते हैं इसकी रूटिंग स्टार्ट होने में ज़रूर। लेकिन आजकल इसका सीज़न है ये गर्मियों का, तो ज़रा इंशाल्लाह जल्दी निकल आएगी। और सबकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर कि रूटिंग कब निकली कैसी, और जब जब रूटिंग निकलेगी मैं इनको आपको सॉइल में भी लगाना दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसी सॉइल लगानी है। और ये है इसके रनर स्पाइडर के, ये ऐसे ही पानी के ऊपर मैंने रख दिए, ये इसी तरह इसकी रूटिंग निकल आएगी। तो देखें, एक तो कटिंग लगाने का जो रूल होता है वो होता है कि वेल्ड्रिन सॉइल हो, उसमें जो जो डालते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और ये जो पानी में लगाने वाली रूटिंग होती है, इसका स्पेशल ये ख्याल रखें कि पानी को यानी ख़राब ना होने दें। एक तो 2-3 दिन के बाद कम अज़ कम ज़रूर पानी इसका चेंज करें, और एक दूसरी बात कि पानी को गर्म ना होने दें, यानी ऐसी जगह ना रखें कि जहाँ पानी गर्म हो जाए, यानी पानी अगर गर्म होगा फिर इसकी जो जड़ें होती हैं ना वो प्लांट की वो गल जाती हैं, इनकी स्टेम्स होती हैं वो गल जाती हैं। इनको आप रूम टेम्परेचर पे रखें, जहाँ पर हमारे रूम का टेम्परेचर होता है, जहाँ हम पीने वाला पानी रखते हैं नॉर्मल, इस टेम्परेचर में अगर आप ये रखेंगे इनकी तो रूटिंग अच्छी होगी और पानी ख़राब नहीं होगा, तो ज़ाहिर है कटिंग भी ख़राब नहीं होगी। तो कटिंग ख़राब होती ही हमेशा पानी के गर्म होने की वजह से, पानी तब्दील ना करने की वजह से पानी में रूटिंग ख़राब होती है। तो पानी में भी लगाने का मतलब ये है कि हम उसका पानी साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही उसमें वो ग्रोथ करेगा। तो इसी तरह
मिट्टी का भी होता है कि हम मिट्टी अगर वर्ल्ड रखेंगे, पानी निकलता रहेगा, उसमें नया पानी आता रहेगा तो फ्रेश रहता है पौधा। ये इसका एक तरीका है हमेशा पौधों को अच्छा रखने का, ग्रोथ करने का। तो देखिए आप लोग भी इस तरह लगा सकते हैं कटिंग्स, और कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट किया करें नई नई चीज़ों का। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, मुझे उम्मीद है ज़रूर अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।